नमस्कार, आप सभी का एआरजे गुरु चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिला छात्रावास यानी वर्किंग वुमेन हॉस्टल के बारे में। दरअसल हमारे एक दिल्ली के सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने के लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि सर, आप वर्किंग वुमेन हॉस्टल के बारे के अंदर आप वीडियो बनाइए और लोगों को बताइए, लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो दरअसल वर्किंग वुमेन हॉस्टल क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल में मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल क्या है और कामकाज महिला छात्रावास क्या है, इसके लाभ क्या है। अगले वीडियो जो आने वाले हैं उनके अंदर आपको ये बताने वाला हूँ कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो है उनके रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कि आपके इसमें क्राइटेरिया क्या है इसमें प्रवेश लेने के लिए, इसके अंदर कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा इसमें कितनी जो चार्ज है, कितना राशि है वो आपको देनी पड़ती है इसमें रहने के लिए, आप इसमें कितने सुरक्षित हैं या नहीं है। इसके अलावा आपको यह भी बताने वाला हूँ कि नई दिल्ली के अंदर जो नगर पालिका मंडल और जो प्राइवेट संस्थान है उनके अंडर से चल उनके अंडर में चलने वाले जितने भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल हैं उनकी लिस्ट भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, और इसके अलावा उनके फ़ोन नंबर हैं, उनके एड्रेस वगैरह, ये भी आपको मैं अगले वीडियोस के अंदर अवेलेबल कराने वाला हूँ। साथ ही आपके जितने भी कमेंट आएंगे, सुझाव आएंगे, आपके जितने भी कमेंट वगैरह आएंगे उनकी रिप्लाई, और सरकार से हमारी जो मांग है वर्किंग वुमेन हॉस्टल को लेकर कि जगह जगह हर जिले के अंदर कम से कम एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, सरकार का खुद का होना चाहिए, एनजीओ वाला या फिर कोई प्राइवेट प्राइवेट होने की वजह सरकार का खुद का होता, थोड़ा उसमें सुरक्षा की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। और ये सारी जो अंतिम अंतिम वीडियो के अंदर हम सारी ये बातें करने वाले हैं, और इसके अलावा भी जो भी वर्किंग वुमेन हॉस्टल के बारे में जो अपडेट आने वाली है उन अपडेट को हम इस चैनल के ऊपर बहुत जल्दी आपके सामने लेके भी आएंगे। तो सबसे पहला निवेदन तो ये रहेगा कि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमारे इस टीम के अंदर एक तरीके से हिस्सा बन जाएं। तो इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको शुरुआत ही बताया था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल क्या है। तो देखिए, दरअसल यह है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, ये अपने घर छोड़कर अपने किसी भी वजह से सर्विस की वजह से अक्सर वो घर से बाहर रहती हैं और सर्विस वहां पे करती हैं। तो वहां पे सबसे बड़ी बात आजकल आती है महिलाओं को लेकर, वो आती है महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के अंदर हम लगातार देखते हैं कि कई कई तरह की अजीबोगरीब कुछ सरकार की गलती समझें या फिर भले ही हम ये समझें कि पब्लिक की गलती समझें, कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ इस तरह की घटनाएं आती हैं जो कि अरुचिकर होती हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा कामकाजी महिला छात्रावास का संचालन किया जाता है, जिसमें जो महिलाएं कोई सर्विस करते हैं या फिर भले ही वो किसी ट्रेनिंग के लिए घर से बाहर रहती हैं उनको वहाँ पे सुरक्षा के साथ वहाँ पे उनको आवास प्रदान किया जाता है। पिछले एक सर्वे के अंदर ये सामने आया कि पिछले 5-6 सालों में 50% महिलाएं हैं वह ज्यादा सर्विस करने लग गई है। तो ऐसे में उनको घर से बाहर रहना पड़ता है और ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है और अपने समाज की भी बनती है। तो इसलिए ये जो कामकाजी महिला छात्रावास है इसके अंदर अगर महिला अगर कोई स्त्री से रहती है या घर से बाहर रहती है तो उसको महिला छात्रावास या कामकाजी महिला छात्रावास इसके अंदर एडमिशन ले सकती है। और इसमें एडमिशन लेने का फायदा एक तो ये मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर सुरक्षित है, दूसरी इसके अंदर ये भी है कि इसके चार्जेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं और बाकी जो बाहर के चार्जेस हैं उनसे बहुत काफी कम होते हैं। यदि सरकारी हॉस्टल इस तरह का हो तो उसमें महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है, ऐसे में सरकारी अधिकारियों के ऊपर होने की वजह से इसमें महिलाएं ज्यादा सुरक्षित होती हैं। इस हॉस्टल की खास बात और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बच्चा छोटा हो महिला के साथ में तो वह जब अपने वर्किंग प्लेस पे जाती है, जब अपने सर्विस के लिए जाती है तो उसमें बच्चे की देखभाल के लिए वहाँ पे स्टाफ होता है, बच्चे की देखभाल की सुविधा भी वहाँ पे प्रदान की जाती है। इसके अलावा यदि कोई महिला जिसके साथ 18 वर्ष तक की बालिका हो तो वह अपनी बेटी को भी अपने साथ में समायोजित कर सकती है, 5 वर्ष तक का लड़का अगर उसके साथ में हो तो वह भी अपनी माँ के साथ समायोजित हो सकता है। इसमें एक बार दोबारा बताना चाहूंगा कि 5 वर्ष तक का लड़का और 18 वर्ष तक की लड़की भी अपनी माँ के साथ समायोजित हो सकती है। और इसके अब बात करते हैं लाभ की, इसके लाभ यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि महिलाएं जो अपने घर से बाहर रहती है उनको सुरक्षा के साथ आवास मिलता है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात करें लाभ की तो जो संस्था या फिर जो भी इसके मैनेज करने वाले हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टरी जो भी है उनको भी इसके अंदर बहुत अच्छा मैं कहूँगा एक रोजगार मिलता है, या फिर अगर गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयड हो तो भी मैं ये कहूँगा कि एक तरह से कम से कम एक कुछ जो बंदे हैं उनको वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसके अलावा वहाँ पे विभिन्न जाति वर्ग की महिलाएं हैं वो एक साथ रह सकते हैं, जिसके अंदर बिना किसी भेदभाव के सब महिलाएं वहाँ पे एक साथ रह सकते हैं। और यदि कोई विधवा तलाकशुदा या एक अकेली रहने को मजबूर महिला है उसको वहाँ पे बाहर जब रहती है तो उसमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी महिला जो है ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए वहां पे अगर आई हो तो वह भी उसमें रह सकती है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बताना जरूरी थी। अगले वीडियो के अंदर हम इसके रूल रेगुलेशन के बारे में, इसकी पात्रता के बारे में, इसके जो कुछ क्राइटेरिया है आपके एलिजिबिलिटी के लेकर उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर कितना चार्जेस होता है, कितने पैसे लगते हैं आपके
आपको आवेदन करना हो तो कहाँ पे करना होता है, किस तरीके से, इसमें क्या प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो के अंदर मिलेगी। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने आपकी अगर कोई नज़र में रहती है उस तरह से वर्किंग वुमेन तो उसको इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।